गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विद द न्यू टॉपिक टेम्परेचर जोन्स। अर्लियर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट, सो इन दिस क्लास वी डिस्कस अबाउट टेम्परेचर जोन्स। सो टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज डिपेंड ऑन सनलाइट, सो इट इज़ डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स: टॉरिड जोन, टेम्परेचर जोन एंड फ्रीज जोन। टॉरिड जोन इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल जोन, इसे इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। सो टॉरिड मीन्स होता है हॉट एंड ड्राई, टॉरिड का मीन्स हॉट एंड ड्राई होता है, यानी गर्म और सूखा जो प्लेस होता है क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है। टेम्परेट जोन इट मीन्स माइल्ड, टेम्परेट का मीन्स होता है माइल्ड, इट मीन्स मॉडरेट क्लाइमेट, नाइदर टू हॉट नो टू कॉल्ड। फ्रिजिड जोन इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोलर जोन, पोलर एरिया जो होते हैं वो स्नो कवर्ड एंड आइसी होते हैं, बर्फ बहुत ज़्यादा होती है वहाँ। फ्रिजिड का मतलब जमा हुआ। सो लेट्स सी इन दिस डायग्राम, ऑल जोन्स आर हेयर, सो वी विल डिस्कस। सो फर्स्ट इज टॉरिड जोन। टॉरिड जोन इज लाए बोथ साइड ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर के बोथ साइड है, दोनों साइड है इक्वेटर के टॉरिड जोन, एंड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में है। सो बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर इज नॉर्थ टॉरिड जोन। कौन सा जोन होता है? नॉर्थ टॉरिड जोन। एंड बिटवीन द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज साउथ टॉरिड जोन। कौन सा टॉरिड जोन हो गया? साउथ टॉरिड जोन। नेक्स्ट इज टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन अगर हम देखें तो इज लाए बिटवीन आर्कटिक सर्किल इज 66.5 degrees एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड लाए बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड एंटार्कटिक सर्किल दैट इज 66.5 degrees साउथ, इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। सो एरिया बिटवीन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या एरिया इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज नॉट टेम्परेट जोन, एंड एरिया इन सदर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड साउथ टेम्परेट जोन। कि जो एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है वो तो है हमारा नॉर्थ टेम्परेट जोन, और जो एरिया साउदर्न हेमिस्फीयर में है वो है हमारा साउथ टेम्परेट जोन। सो नेक्स्ट है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन इज ऑल्सो कॉल्ड पोलर जोन, इट मीन्स नॉर्थ पोल लाई बिटवीन नॉर्थ पोल एंड आर्कटिक सर्किल, एंड लाई बिटवीन साउथ पोल एंड अंटार्कटिक सर्किल इज फ्रिजिड जोन। अब देखें एरिया बिटवीन नॉर्थ पोल एंड आर्कटिक सर्किल इज नॉर्थ फ्रिजिड जोन, एंड एरिया बिटवीन साउथ पोल एंड अंटार्कटिक सर्किल इज कॉल्ड साउथ फ्रिजिड जोन। और जो एरिया नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्किल के बीच में है वो तो है नॉर्थ फ्रिजिड जोन, और जो एरिया साउथ पोल एंड अंटार्कटिक सर्किल के बीच में है वो है हमारा साउथ फ्रिजिड जोन। दीज जोन्स आर बोथ साइड ऑफ इक्वेटर। सो द अर्थ टेम्परेचर जोन डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ द सन रेज। जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है हमारी सन रेज के एंगल पे, कि सन की रे की एंगल कैसी है, डायरेक्ट है या स्लैंटिंग है। हम डिस्कस कर चुके हैं पहले फैक्टर्स में कि अगर सन की जो रे है वो डायरेक्ट अगर इक्वेटर पे है देन वहाँ सनलाइट अगर ज़्यादा जा रही है तो वहाँ का एरिया क्या होगा, हॉट होगा। तो इट मीन्स टॉरिड जोन जो होता है वो डायरेक्ट इक्वेटर के बिल्कुल पास है, इक्वेटर के दोनों साइड है। तो ये जो टॉरिड जोन वाला जो एरिया है वो है हॉट एरिया, हॉट एंड ड्राई एरिया। एंड सनरेज अगर स्लैंटेड जा रही है, सनरेज लैटिट्यूड मेजर लैटिट्यूड जो है, सनरेज अगर स्लैंटेड जा रही हैं पोल्स की तरफ जा रही हैं तो वहाँ सनलाइट कम होती जाएगी और वो एरिया क्या
क्या होता जाएगा, कूल होता जाएगा, उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा. तो दीज जोन्स आर टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन. ओके सो चैप्टर, नाउ चैप्टर इज कम्प्लीट. रीड इट केयरफुली अगेन एंड डू एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर एट द एंड. ओके स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट चैप्टर. ओके.